मेरी ये पहली विजिट है कश्मीर में एंड आई हैव टू थैंक आयमन एंड द टीम ऑफ आयमन ऋषभ अतीक अंजनी एंड अंबर यू नो दे बीन वेरी काइंड एंड मेरा बड़े सालों का सपना था कि मैं कश्मीर आकर के देखूं इतनी खूबसूरती है कश्मीर की और मैं देख नहीं पाया 40 साल का होने वाला हूँ सो आई हैड टू कम एंड आज जो है हम लोग इवेंट के लिए आए हैं और किसी रीज़न से आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो आज फुर्सत मिली नहीं कहीं बाहर जाने की कल एयरपोर्ट जाने से पहले आई ट्राई एंड गो समवेयर ईट समथिंग मे बी द फेमस फूड ऑफ कश्मीर जी जैसा मैंने कहा कि मैं पहली दफ़ा रूबरू हो रहा हूँ कश्मीर के लोगों के साथ में यहाँ के यूथ के साथ में एंड वंस अगेन आई'ड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए सबसे और देखने के लिए यू नो हर किसी को सो फिंगर्स क्रॉस्ड ज़रूर क्यों नहीं जी मैंने फ़िलहाल तो मेरी कभी कोई शूटिंग हुई नहीं फिल्मिंग कभी हुई नहीं कश्मीर में मगर सरगुन मेरी वाइफ यहाँ शूटिंग करके जा चुकी हैं शी हैड एक्चुअली शॉट फॉर अ स्मॉल फिल्म या लॉन्ग बैक हर एंड अनदर ऑफ आवर फ्रेंड्स यू नो इट्स दैट शॉट हियर और तो मैंने उसके ज़रिए भी एक बार जो है उस फुटेज में भी एंड ऑफकोर्स यू नो इंटेंशन तो है कि हम भी कभी कुछ फिल्म करें यहाँ पर आकर के तो आपको प्यार से बुलाएंगे मैं चलाऊँगा यहाँ से जाकर के मैं इनक्रेज करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ कश्मीर की सुंदरता देखें और आप लोगों से रूबरू हों आप लोगों से बातें करें आप लोगों के बारे में जानें जी ये एक्चुअली मैं इसका एक छोटा हिस्सा ही कहूँगा ये शुरुआत तो द यूथ ऑफ दैट्स अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की है ऋषभ शाह ने की है ऋषभ शाह एंड अंबर हियर एंड अतीक हियर एंड यू नो द होल टीम यू नो दे आर ट्राइंग टू इनकरेज द यूथ टू अलाइन विद राइट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड यू नो आई थिंक देट बी बेस्ट सूटेड टू आंसर दिस मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इनके साथ थोड़ा बहुत काम करता हूँ या इनके लिए कुछ वॉलंटियर मैं करता हूँ तो मैं उस रात को बहुत अच्छा जा करके सोता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने वक्त के साथ में कुछ अच्छा किया है तो मुझे जब भी ये बुलाते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ और सो व्हेन अंबर एंड ऋषभ दे कॉल्ड आई क्विकली मेड टाइम एंड आई केम हियर जी अच्छा ही लगता है आई मीन अगर हम अपने टेलीविज़न में या फिल्मों में या ओटीटी में होने के बाद भी इतना भी वॉलंटियर ना कर पाएँ तो कोई काम ही नहीं है वहाँ होने का मतलब कोई मतलब ही नहीं तो अगर हम यूथ से बातचीत ना कर पाएँ उनके रूबरू ना आ पाएँ उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश ना करें होना ना होना वो एक अलग अलग बात है वो आगे का मुद्दा है मगर अगर हम उनसे बातचीत तक ना कर पाएँ तो फिर इस इंडस्ट्री में होने का भी कोई फ़ायदा नहीं एब्सोल्युटली आई डू यू नो आई थिंक देर इज़ पोइट्री एंड रिदम एंड मेलेडी एंड वॉट नॉट यू नो इट इज़ वेरी सेंट्रल टू कश्मीर एंड इट इज़ इन द वेरी जर्म इन द वेरी DNA of Kashmir and definitely why not I mean it is happening it will continue to happen and only grow with time